आज हम बनाने जा रहे हैं तोता परी आम का, नहीं तो कोई भी आधा पके हुए आम का पन्ना बनाने जा रहे हैं। वो आम को अच्छे से आप छिलका उतार के उसको छोटे छोटे टुकड़े में काट लीजिए और अलग से पानी में डालकर उसको उबाल लीजिए। उबलने के बाद यह इस तरह दिखाई देती है। उसके बाद कम से कम, नहीं तो भी ये एक आम का पूरा टुकड़े हैं, आप इसमें कम से कम नहीं तो भी 4 या 5 स्पून आप शक्कर डालिए। शक्कर की मात्रा आपके टेस्ट के अनुसार भी डाल सकते हैं। अगर जिसको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो ज़्यादा शक्कर डालिए, कम चाहिए तो कम भी डाल सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हाफ टी स्पून छोटे चम्मच में जीरा पाउडर लीजिए और फिर 4 या 5 इलायची के पाउडर को ग्राइंड कर लीजिए, पीस लीजिए अलग से, और स्वाद के अनुसार हल्का नमक भी डालते हैं। एक या 2 पिंच नमक भी डालिए। चाहिए तो इसमें ब्लैक सॉल्ट भी डाल सकते हैं, काला नमक भी डाल सकते हैं, और फिर आइस क्यूब आपके ठंडे की इच्छा के अनुसार रखिए। अब मिक्सी में उबले हुए आम को डालिए, शक्कर को डालिए, शक्कर अपनी इच्छा के अनुसार डाल सकते हैं, और जीरा पाउडर डालिए, इलायची इलायची का पाउडर डालिए, दो चुटकी नमक भी डालिए। अगर नमक का स्वाद आपको थोड़ा कम लगेगा तो थोड़ा 1 पिंच और ज़्यादा भी कर सकते हैं। काला नमक भी आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, सफ़ेद नमक की बजाय काला नमक भी यूज़ करिए। आधा ग्लास ठंडा पानी डालिए। अब इसे मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करने के बाद ये पन्ना ऐसा दिखाई देती है। इसमें चाहिए तो आप थोड़ा सा, अगर पन्ना थोड़ा गाढ़ा हो अगर होगा तो आप इसमें कम से कम नहीं तो भी ठंडा पानी 2-3 गिलास छोटे ग्लास में डाल सकते हैं। गाढ़ेपन को कई लोग गाढ़ा पसंद करते हैं, कई लोग पतला पसंद करते हैं। पतला करना हो तो पानी की मात्रा ज़्यादा डाल दीजिए और शक्कर भी थोड़ा ज़्यादा कर दीजिए। अब इसे आइस क्यूब में डालकर ठंडा पीजिए। ये गर्मी के मौसम में पीने से सारे शरीर के लिए अच्छा होता है, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है।